सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये आज आपका जो पेपर हुआ भाई ग्रुप नंबर 6 का, उस पर बात करेंगे। ये पेपर जो भाई आपका हुआ है ग्रुप नंबर 6 का 10 सितंबर को, यानी 10 तारीख है भाई आज आपकी। तो इसके आंसर की भी आ चुकी है भाई, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ थी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम है या जो भी आपके अपडेट है हम टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं और वीडियो के माध्यम से भी आपके समक्ष रखते हैं भाई। तो वीडियो में बात करेंगे भाई किस टाइप का आपका पेपर आया, कितना क्या आपका स्कोर बना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। जिस भी साथी का ये एग्ज़ाम था भाई, कितना क्या स्कोर करके आए हो आप, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं, जो आज आपका पेपर हुआ है इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे भाई आपके सामने। पहला प्रश्न है देख लो भाई, दूसरा प्रश्न है बीमा के अनुबंध के आवश्यक तत्व भाई, इसका आंसर है जो आपको जो आंसर की आई है वहाँ पर पता लग जाएगा। वैसे नॉर्मल प्रश्न है जैसे हरियाणा जी के भाई, क्या हरिश्चरित किसने लिखा, सभी को पता बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है ना भाई। हरिश्चरितम किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, बहुत प्राचीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ठीक है ये भी देख लेना भाई, इसका आंसर है जो आपको अपनी आंसर की में मिल जाएगा। कितना आपका स्कोर बना है बताइयो भाई, और ये जो आंसर की आई है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि HSC एक काम बढ़िया करिए, एग्जाम होता है और साथ में ही आपकी आंसर की अपडेट कर देते हैं। पहले कहाँ थे भाई ये, अब इतनी स्पीडली से काम कर रहे हैं। देखो भाई किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रुप नंबर 6 का जिसने भी एग्ज़ाम दिया भाई, स्कोर जरूर बताइए कितना के बना है। फिर तो हमें कट ऑफ पूछा करो तो कट ऑफ का एक आंकलन सा कर सका। चौधरी देवीलाल भाई जो क्या आपका अर्बल प्राकृतिक पार्क कहाँ पे है भाई, बिल्कुल आसान है न भाई, क्या आपका नाहर रेवाड़ी के अंदर है सरस्वती, आप सभी को पता ही होगा। खपरावास आपका जज्जर में है, तो भाई जौहरपुर के अंदर। नेक्स्ट है भाई देख लो, सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं आपको भाई आंसर की में मिलान कर लेना, ठीक है ना। मैं वैसे हरियाणा जी के देखने के लिए आपके समक्ष आया हूँ भाई, हरियाणा जी की कैसी पूछी गई। हरियाणा का जॉन मिल्टन भाई कई बार बात कर चुके हैं दयाचंद मायना, देख लो भाई कितना के स्कोर बैठा है तारा पेपर में, आ घबरू पेपर में कितना स्कोर बिठाया भाई। जो भी आपके HSC के एग्ज़ाम हुए हैं वह टेलीग्राम पे तो आपने मिले हैं, साथ में वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करते हैं, ताकि सभी भाइयों को पता लग जाए जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं भाई। भाई आगामी परीक्षाओं के लिए प्रवेश पेपर बहुत महत्वपूर्ण होया करें, ठीक है ना, प्रवेश पेपर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होया करें, इस चीज़ ने नोट कर लेना। और पीछे जितने प्रवेश क्वेश्चन करोगे उतना ही भाई आगे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना भाई। ये प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं, क्योंकि इन जो इनके आंसर हैं भाई आपको पता ही है कहाँ पे मिलेंगे आपको, जो आपकी आंसर की आई है वहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, सिर्फ आपको पेपर का टाइप यानी पेपर के अंदर किस भाई कैसे प्रश्न पूछे गए, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं ये दिखाने के लिए आपके समक्ष भाई, ताकि आगे जो बच्चे आ रहे हैं भाई उनको पता लग जाए कि पेपर कैसे आ रहे हैं। हरियाणा की फसल भाई जो योजना है मेरा पानी मेरा विरासत संबंधित, देखो भाई कितना स्कोर बिठाया भाई तुमने, स्कोर बताइए भाई, ठीक है। तो ये पेपर आपके सामने चल रहा है टाइम सीरीज के घटक, ऑक्सोलिक एसिड में मौजूद होता है भाई, क्या होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। टिक कर लिया करो इन प्रश्नों को, जो आगामी जो पेपर होंगे उनमें सेट हो जा रहे हैं, प्रवेश पेपर हैं के जो प्रश्न आया करें, देख लो भाई। ये पेपर आते ही मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन थोड़ा भाई समय नहीं लगा, लेकिन वीडियो पक्की बनाते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम आता है वो वीडियो के माध्यम से बताते हैं, और भाई टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाता है। तो वीडियो का नीचे जो अपना टेलीग्राम का लिंक है उसको ज़रूर ज्वाइन करें भाई। नागरिक जो आपका क्या भाई हवाई अड्डा वो कहाँ पर है, हिसार में, भाई साहब ने सारा टिक रखा। ले भाई आपके सामने जो पेपर है वो देख लो, कितना के स्कोर बने भाई इस पेपर में। जिस भाई बहन ने जो कॉमर्स ग्रुप बोलते हैं भाई 6 ग्रुप को, कितना स्कोर बना के आए हैं पर्सन भाई, जिसने तैयारी की उनके लिए तो ठीक ही होंगे, ठीक है ना, जिसने तैयारी की है।
अरे भाई जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए तो समान ही है, उसके लिए तो आसान भी मुश्किल, और मुश्किल है तो भाई वो तो मुश्किल ही है। कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड किसके पास हुआ है? कंप्यूटर सिस्टम है। सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर क्या दिखाती है भाई? हरियाणा के पूर्व में स्थित भाई कौन सा है? जमासान है, करवा रखे है, पीछे वीडियो देखोगे तो पता लगेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो ना कंटिन्यू, जो हम पर्सन लेकर आते थे, पता लगे भाई उपभोक्ता क्या जो अधिकार है भाई। ये पर्सन मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताया हुआ है, क्योंकि भाई अगर आप जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ पता लगे। सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में? रोहतक में। गढ़ी सांपला हरियाणा जी के तो वही आनी है जो पेपर हम आती रही है। ले भाई पेपर का जो सोल्यूशन है वो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कितना के स्कोर बिठाया रहता हमने भाई? जिस भी भाई बंधु का ये पेपर था कितना स्कोर बनाया है? ठीक है ना। भोजन पेट ईंधन भाई। ईंधन किसे संबंधित है? हवाई जहाज या इंजन या ट्रक? ऑटोमोबाइल भी ऑप्शन में दे रखा है। हवाई जहाज भाई साहब ने ठीक लगाया क्या ऑप्शन में? भाई सारे पर्सन दिखाने लग रहे हूँ, ठीक है ना। मैं चाहूँ कि बच्चे जो जुड़े हो हमारे साथ सारी चीज़ देख लें भाई, ठीक है ना। पेपर चाहे कोई भी हो भाई, हरियाणा का तो है ना, तो भाई फायदा मिलता है। पीछे जो पेपर होते हैं वो देखा करो। राजा नारसिंह के महल का जो आर्मरिक भाग है भाई वो किस पूर्वज के द्वारा बनवाया गया? किस पूर्वज ने बनवाया था? राव तुलाराम ने या किसने? बेरा कौन जी है ना, बेरा तो तब लगा ना जब आप पढ़ो। ब्रह्मांड के प्रत्येक इकाई की पूर्ण इकाई गणना क्या कहलाती है? बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई देखो। अरे करनाल कहाँ टिक कर दिया था ना, मैं बात कर दिया क्या दोबारा? सही कर दिया। देख सीखो भाई, जिसे प्रश्न आए हैं वो आपके सामने है। आज ग्रुप नंबर 6 का पेपर था। पदोन्नति के रूप बताओ भाई, पदोन्नति का क्या रूप है बताइए? और है पदोन्नति किसा के पेपर गया भाई आज आपका? पेपर बताइए किसा गया। देखा ऊपर इसी पेपर जो आपके हो रहे हैं उनमें ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने बताया था। हरियाणा जी के तो भाई लगभग सभी ने बता रखी होगी। हरियाणा जी के तो कहीं से पढ़ लो, ठीक है ना। स्पेशल कोई भी बुक उठाओगे लगभग प्रश्न वही मिलेंगे, ठीक है। बस आपको नाम वगैरह वगैरह कुछ नई चीज छपी दिख जाए तो तुम पागल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हरियाणा जी के ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है भाई। आपके सामने ये पेपर है तो इसके आंसर की भी एच एस ने जारी कर दी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है। सॉल्यूशन दोस्तों जो रहेगा पेपर का भाई, आपको जो आंसर की है वो आप मिलान कर ही लोगे। कितना क्या स्कोर बना भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस भी साथी ने ये ग्रुप नंबर 6 का एग्जाम दिया है और आगामी परीक्षा की तैयारी करते रहें भाई, जो आपका शेड्यूल है एग्जामों का वो क्या भाई ज्यों त्यों बना रहेगा, उसके अंदर आपके एग्जाम होते रहेंगे, ठीक है ना भाई। एग्जाम होते रहेंगे, फाइनली रिजल्ट और ज्वाइनिंग का आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जो आपका भाई फिजिकल से संबंधित है या जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली, ठीक है। तो कितना क्या स्कोर बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।